हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं कुकर में जीरा राइस। हमने यहाँ पर चावल लिए हैं, उन्हें हमने आधा घंटे पहले धोकर सोक कर लिया था। कुकर लिया है हमने, इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाले लौंग सबसे पहले, और इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास चावल, 1.5 गिलास पानी। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे हैं साफ करके। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आधी चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 सीटी लगा देंगे और हमारा जीरा राइस बनकर तैयार है। यहाँ हम कच्चे चावलों का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें कुकर में बना रही हूँ। अब हम इसमें ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी लगाएंगे। देखिए हमारे जीरा राइस कितने अच्छे बने हैं, एक दाना खिला खिला बनाया है मुझे। कम समय में कुकर में जीरा राइस बनाने का नया तरीका, नया तो नहीं है पर काफी लोग बनाते हैं। देखिए हमने भी ऐसे ही बनाए हैं, आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय।